हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। इस वीडियो में आज जो हम बात करने वाले हैं वो टाइट बिजनेस अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग टाइट बिजनेस अकाउंट में एक अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, हम तो बिजनेस करते नहीं तो कैसे अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पे आप लोग केवल स्टूडेंट मस्ट सिलेक्ट करिएगा, बाकी यहाँ पे आप लोग कुछ भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरी आगे देखने को मिलेंगी, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग अपने टाइट बिजनेस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग जैसे अकाउंट को ओपन करते हैं इसमें यहाँ पे आप लोगों को 3.5% का कैशबैक देखने को मिलता है। इसी के साथ आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे डेबिट कार्ड फ्री मिल जाता है। 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे आप लोगों को कार्ड को डिस्पैच कर दिया जाता है। उसी के साथ इस कार्ड के माध्यम से आप लोग कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप लोग अमाउंट को लोड करेंगे उस पर कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे आप लोग जितना एक्सपेंड करते रहेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को कैशबैक प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे ही अकाउंट को ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इंस्टेंट ही 500 रुपये ऐड करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में अब चल रहा होगा, जब जीरो बैलेंस अकाउंट है तो 500 क्यों ऐड करने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग 500 ऐड करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ कैशबैक यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा जिससे आप लोग ऑफर इजवेल कर सकें। उसके बाद यहाँ पे आप लोग उस पैसे को निकाल भी सकते हैं, उसमें पैसे कोई रखें या ना रखें कोई भी आप लोगों से चार्जेस नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इस अकाउंट को कैसे ओपन करेंगे इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा जिससे मैं आप लोगों को लाइव प्रोसेस करके दिखा सकूं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। जल्द समय लेते हुए वीडियो शुरू कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आ जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे टाइट बिजनेस इंडिया। जैसे यहाँ पे आप लोग इसको डाल के सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे अब ओपन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है ओपन ए फ्री अकाउंट, तो यहाँ पे आप लोगों को ओपन ए फ्री अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, यहाँ पे आप लोगों को अपना फोन नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा ऐड ए रेफरल कोड, तो यहाँ पे ऐड ए रेफरल कोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना रेफरल कोड डाल देना है। रेफरल कोड कौन सा डालेंगे यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन में देखने को मिल जा रहा है। स्क्रीन में आप लोग देख के यहाँ पे आप लोगों को रेफरल कोड डाल देना है। उसके बाद ऐड कोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे देखेंगे ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप लोगों के ईमेल पे एक जो है वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है, उसको यहाँ पे ईमेल को ओपन करेंगे। जब ईमेल को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे वेरीफाई योर ईमेल, तो यहाँ वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इनेबल सिक्योर लॉगिन, यहाँ पे आप लोग अपना इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट को हम बायोमेट्रिक जो होती है इसको इनेबल करेंगे, यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के ओटीपी भेजी गई है, 1 टाइम ओटीपी जो आपका मोबाइल नंबर इस पर भेजी जाती है वो यहाँ पे आप लोग फिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे योर प्रोफेशनल डिटेल, यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिटेल्स फिल करनी है। जैसे यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, यहाँ पे और जेंडर हो गया और यहाँ पे पेन नंबर हो गया। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो यहाँ पे आप लोगों को बताना है। यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस 2 डालेंगे, सिटी डालेंगे, स्टेट डालेंगे और यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। सारी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डिलीवर्ड एड्रेस दिखाया गया है कि कौन से एड्रेस पे यहाँ पे आप लोग कार डिलीवर्ड कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेम है जो परमानेंट एड्रेस, इसको यहाँ पे अगर सेम है तो इनेबल करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप लोग अपने कार्ड के लिए यहाँ पे दूसरा एड्रेस यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं उसको फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को योर बिजनेस डिटेल्स यहाँ पे दिखाई गई है। बिजनेस डिटेल में आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को जो है अपनी कंपनी नेम यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंपनी एड्रेस डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सिटी डालेंगे, स्टेट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, पूरी डिटेल डाल लेने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी आप लोगों को सर्च करनी, जैसे मैंने पीछे बताया था कि आप लोगों को बिजनेस कैटेगरी आगे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो है अपनी कैटेगरी यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी है यहाँ पे आप लोगों को अपनी कैटेगरी यहाँ पे सारी कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आप लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा वी हैव पैटर्न्ड विद ट्रांसपोर्ट टू ऑफर टाइड एक्सपेंस कार्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल से नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अब आप लोगों की चेकिंग हो रही है, यहाँ पे देखेंगे वी आर चेकिंग योर एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ पे चेक की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक जो है OTP पुनः से प्राप्त होगी, वो OTP यहाँ पे आप लोगों को फिल कर देना। हमने फिल कर दी, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे देखेंगे थैंक्स फॉर साइन अप, यहाँ पे आप लोगों का साइन अप हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे चूज ए लैंग्वेज, अब यहाँ पे आप लोगों की लैंग्वेज पूछी जा रही है इंग्लिश या हिंदी, तो जो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहे वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वीडियो KYC के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताई गई, जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, यहाँ पे आप लोगों का जो है कैमरा अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट अच्छा कनेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे आप लोगों की नॉइस नहीं होनी चाहिए पीछे बैकग्राउंड में, इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। इसको पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे यूजर कंसेंट देंगे, यहाँ पे कंसल्ट दे देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस है, अब आधार कार्ड है, ओरिजिनल पैन कार्ड यहाँ पे आप लोगों को रखना होगा, ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, जैसे करेंगे यहाँ पे आप लोगों को अपना डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन कराना होगा। यहाँ पे अब आप लोगों को अपना आधार नंबर डाल लेना है, जो भी आधार नंबर है वो डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी, जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे जाएगी, यहाँ पे OTP डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू कर देंगे कुछ इस प्रकार से वेरिफिकेशन आएगा, उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सक्सेसफुल, यहाँ पे हमारा जो है आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है इस प्रकार से आधार KYC डिटेल्स दिखा दी गई हैं। जैसे यहाँ पे आधार पे आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, UID नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, जैसे नेक्स्ट कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है आपके लोकेशंस जो है उनको अलाउ करना, जैसे कैमरा की लोकेशन, माइक्रोफोन, यहाँ पे आप लोगों को अलाउ एक्सेस पे क्लिक करके यहाँ पे अलाउ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना कन्फर्म ID, जो पेन नंबर है, जो पेन आई कार्ड है, उसको यहाँ पे कैप्चर करेंगे और लुक्स गुड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स दिखाई जाएंगी, जो आपके पैन कार्ड पे होंगी वो देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब वीडियो सेटिंग की, अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है, अब वीडियो कॉलिंग जो होगी वो हिंदी में बात करना चाहेंगे या इंग्लिश में, जो भी आप लोगों को प्रेफर लगे वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपसे एक एजेंट जुड़ जाएगा, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे पूछेगा, यहाँ पे आप लोगों का आधार, पैन कार्ड, यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं KYC सबमिटेड, यहाँ पे KYC मेरी सबमिट हो चुकी है, अब यहाँ पे डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे KYC प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड एंड इज अंडर रिव्यू, अब थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे, डन करेंगे। यहाँ पे हमारा देखेंगे वेलकम टू टाइड है, यहाँ पे हमारा अकाउंट जो सक्सेसफुल ओपन हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे एक्सेस योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों का ओपन होगा। यहाँ पे आप लोगों को ऐड मनी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऐड मनी के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे UPI का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे UPI के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे 100 रुपये, 500 रुपये यहाँ पे बताया तो 500 रुपये नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनके माध्यम से यहाँ पे आप लोग जो है पैसे को ऐड कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको जानकारी सही लगी होगी, जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।